मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 10,000 साल पहले आइस एज के खत्म होने के बाद स्पेस से एक मशीन धरती पर गिरती है इंसानों को म्यूटेंट्स में बदलने के लिए। एक वॉरियर जिसका नाम नीच डेन होता है वो सभी एंशियंट ट्राइब्स को एक साथ करता है और सब मिलके म्यूटेंट से लड़ते हैं और उन्हें हराकर उस मशीन को जमीन के अंदर दफना देते हैं। उसके बाद नीच डेन एक ग्रुप बनाता है जिसको इस मशीन की जानकारी होती है। वो उस मशीन के बारे में सब कुछ एक सीक्रेट बुक में लिखते हैं जिसका नाम होता है द क्रॉनिकल्स ऑफ म्यूटेंट। हालांकि कई सालों बाद 2077 में लोग उस मशीन के बारे में भूल चुके हैं और धरती के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। अब दुनिया को 4 ग्रुप कंट्रोल कर रहे हैं जो आपस में वॉर करते रहते हैं बचे हुए नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल करने। यूरोप में बॉहाउस ग्रुप कैपिटल ग्रुप से लड़ रहे होते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो उस जगह लड़ रहे हैं जहां मशीन को दफनाया गया था। बॉहाउस का कमांडर स्टाइनर अपने आदमियों को लगातार बॉम्ब्स फायर करने कहता है। वही कैपिटल का कमांडर नेथन अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करता है लड़ने के लिए क्योंकि उनका ग्रुप काफी कमजोर हो गया था। उन्होंने अपने काफी सोल्जर्स गवा दिए थे। एक सोल्जर जिसका नाम मिच है वो सभी शहीद सोल्जर्स के डॉग टैग कलेक्ट कर रहा होता है। तभी बॉहाउस उनकी तरफ टैंक्स बेचता है तो कैपिटल उन्हें कैनन से अटैक करते हैं जिस वजह से काफी तबाही होती है और वो जगह रिवील होता है जहां मशीन को दफनाया गया था लेकिन किसी का उस पे ध्यान नहीं जाता। फिर एक और बड़ा धमाका होता है और वाहा की जमीन अंदर धंस जाती है और उसमें से म्यूटेंट्स बाहर निकलकर कैपिटल की आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके हाथ खुद अपने आप में एक तलवार है। मिच और नेथन को म्यूटेंट्स नहीं दिखे थे तो वो जब अपने सोल्जर्स के बॉडीज को देखते हैं तो उन्हें लगता है ये बॉहाउस ने किया है और फिर नेथन और स्टाइनर का आमना सामना होता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी दोनों के सोल्जर्स भी वहां आ जाते हैं और तभी वहां म्यूटेंट्स भी आ जाते हैं और दोनों के सोल्जर्स को मार देते हैं। म्यूटेंट्स को देखकर नेथन और स्टाइनर भी एक साथ हो जाते हैं और म्यूटेंट्स पर हमला करते हैं और तभी वहां इवैक्यूएशन प्लेन भी आ जाता है। नेथन एक मशीन गन लेकर म्यूटेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि बचे हुए सोल्जर्स वहां से निकल सके। मिच भी प्लेन के अंदर जा रहा होता है तब वो देखता है कि नेथन की गोलियां खत्म हो गई हैं और म्यूटेंट्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। कुछ देर बाद म्यूटेंट्स के आजाद होने की खबर नीच डाइन के ग्रुप तक पहुंच जाता है जिसका अब लीडर सैमुअल है। सैमुअल और एक नन सिवीरियन एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां द क्रॉनिकल्स ऑफ म्यूटेंट्स बुक रखा गया था। उस बुक में लिखा था कि म्यूटेंट्स जिंदा और घायल इंसानों को ही मशीन के अंदर ले जाते हैं उन्हें म्यूटेंट्स में बदलने के लिए और कोई भी आर्मी उन्हें हरा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। फिर सैमुअल उन 4 ग्रुप्स के साथ एक मीटिंग रखता है चल रहे सिचुएशन के ऊपर बात करने। म्यूटेंट्स ने कई सारे सिटीज में अटैक किया है इसीलिए वो इंसानों को मार्स पर भेजने का प्लान करते हैं लेकिन सैमुअल कहता है उनके पास सबके लिए स्पेसशिप्स नहीं है और उसे ये भी लगता है कि म्यूटेंट्स इतने शातिर हैं कि वो मार्स तक भी आ जाएंगे। इसीलिए सैमुअल को लगता है उन्हें एक अच्छी टीम केव के अंदर भेजना चाहिए उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने। लेकिन ग्रुप्स के लीडर आपस में बहस करते रहते हैं और एक डिसीजन पर नहीं आ पाते। इसी बीच म्यूटेंट्स धीरे धीरे करके सभी सिटीज में अटैक करते हैं जिसके बाद एवैक्यूएशन मिशन शुरू हो जाता है। हालांकि सबको मार्स में ले जाना इम्पॉसिबल है जैसे सैमुअल ने कहा था। एक ग्रुप का लीडर सैमुअल से कहता है कि वो मार्स नहीं जा सकता क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो मदद करना चाहता है। वो सैमुअल को अपना शिप और इवैक्यूएशन टिकेट्स देता है। इधर मिच नेथन के फैमिली के पास आता है और उन्हें बताता है कि नेथन अब नहीं रहा। नेथन की वाइफ टूट जाती है क्योंकि अब उसका पति भी नहीं रहा और उसके पास मार्स जाने के लिए इवैक्यूएशन टिकट्स भी नहीं है। मिच उसे वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा। फिर मिच एक बार में जाता है जहां उससे मिलने सैमुअल आता है। सैमुअल मिच को उसके मिशन ज्वाइन करने बोलता है लेकिन मिच मना कर देता है। लेकिन जब सैमुअल उसे इवैक्यूएशन टिकट्स देता है तो वो अपना मन बदल देता है। अगले दिन नेथन की वाइफ जहर बना रही होती है खुद को और अपनी बेटी को मारने क्योंकि वो म्यूटेंट्स नहीं बनना चाहती। लेकिन तभी मिच आता है और उन्हें इवैक्यूएशन टिकट्स देता है जिससे नेथन की वाइफ बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद सैमुअल कुछ जाबाज वॉरियर्स की टीम बनाता है जिन्होंने मिशन ज्वाइन करने के लिए अग्री किया था। वो उन्हें प्लान बताता है कि उन्हें अंडरग्राउंड टनल से होते हुए जाना होगा और एक स्पेशल डिवाइस को मशीन के सेंटर में प्लांट करना होगा जिसे एक स्पेशल की से ही एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये स्पेशल की कहाँ है।
उन्हें लगता है कि ये शायद मशीन के अंदर ही है, लेकिन वो श्योर नहीं है। ऐसे में ये मिशन थोड़ा रिस्की था। स्टाइनर उन्हें एक जेल में लेकर जाता है जहां मिलिट्री ने एक म्यूटेंट को बंदी बनाकर रखा था। सिवेरियन बताती है कि इन म्यूटेंट्स को कैसे मारा जा सकता है। वही स्टाइनर बताता है कि फॉस्फोरस बॉम्ब, गन फायर और तलवार से उन्हें मारा जा सकता है। मिच देखता है कि मरते वक्त वो म्यूटेंट थोड़ी देर के लिए इंसान बन जाता है। फिर टीम को वेपन्स और सप्लाईज दिए जाते हैं। सभी को एक एक प्राचीन तलवार भी दिए जाते हैं। एयरक्राफ्ट से जाते वक्त उनका पायलट देखता है कि एक प्लेन उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। पायलट उस प्लेन को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। तब उन्हें पता चलता है कि एक म्यूटेंट ने उसे हाईजैक कर लिया है। वो प्लेन सीधे आकर उनसे टकराती है और उनके एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है। पूरी टीम एस्केप पॉड के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो एस्केप पॉड अटक गया था और लॉन्च नहीं हो रहा था। तो पायलट अपने आप को कुर्बान करता है और मैनुअल लेवर को खींच देता है, जिससे एस्केप पॉड लॉन्च हो जाता है। पैराशूट खुल जाता है, लेकिन ज्यादा लोगों की वजह से कैप्सूल काफी भारी होता है, इसलिए पैराशूट की रस्सी भी टूट जाता है। कैप्सूल काफी तेजी से गिरते हुए एक बिल्डिंग के आर पार जाती है, लेकिन तभी बैकअप पैराशूट खुल जाता है और कैप्सूल एक ओपन फील्ड में लैंड हो जाता है। सभी बच जाते हैं, लेकिन कैप्टन काफी घायल हो गया था और वो बच नहीं सकता था, इसलिए मिच उसे एक ग्रेनेड देकर वहां से निकल जाता है और उसे ब्लास्ट कर कैप्टन मर जाता है। टीम आगे बढ़ती है तो वो एक सिटी में पहुंचते हैं जिसे म्यूटेंट्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बुक से मिले एक मैप को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ते हैं तो वो एक चर्च तक पहुंचते हैं। क्रॉनिकल्स के हिसाब से चर्च के नीचे कुछ सीक्रेट टनल्स हैं जो उन्हें मशीन तक पहुंचा सकता है। एक रस्सी के जरिए वो चर्च के नीचे जाते हैं। वहां उन्हें कुछ रिलीजियस स्टैचूज मिलते हैं और काफी सारे हड्डियां भी दिखते हैं। क्रॉनिकल्स को फॉलो करते हुए उन्हें आखिरकार लॉस्ट सिटी ऑफ एंशंट्स मिलता है। बुक के मुताबिक उन्हें एक लिफ्ट टनल्स तक पहुंचाएगा, लेकिन वो देखते हैं कि लिफ्ट खराब पड़ा है। ऐसे में उन्हें 60 फ्लोर नीचे रस्सी के जरिए जाना पड़ेगा। धीरे धीरे पूरी टीम नीचे जाने लगती है। बुक को फॉलो करते हुए वो मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई एंट्रेंस नहीं मिलता। तभी सैमुअल नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि वो लिफ्ट के ऊपर गिरता है। तभी सैमुअल देखता है कि नीचे बहुत सारे म्यूटेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बाजू में भी एक म्यूटेंट था। मिच नीचे कूद जाता है और सैमुअल को बचा लेता है और लिफ्ट के गेट को बंद कर देता है। फिर स्टाइनर एक ग्रेनेड नीचे फेंकता है जिससे काफी म्यूटेंट मर जाते हैं, लेकिन आवाज सुनकर और भी म्यूटेंट्स वहां आ जाते हैं। फिर टीम और म्यूटेंट्स के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जितना हो सके उतने म्यूटेंट्स को वो मारते हैं, लेकिन म्यूटेंट्स काफी ज्यादा होते हैं तो टीम वहां से भाग जाती है, लेकिन म्यूटेंट्स उन्हें फॉलो करते हुए चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन फिर किमवू ऊपर से आकर एक मशीन गन से म्यूटेंट्स के ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है। वो बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार देता है, लेकिन फिर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर म्यूटेंट्स लिफ्ट के ऊपर चढ़कर उस पर अटैक करते हैं, तो वो वहां आग लगा देता है जिससे लिफ्ट की रोप कट जाती है और लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। किमवू तलवार से लड़ने लगता है, लेकिन म्यूटेंट उसे मार देता है। नीचे पूरी टीम अपने तलवार से म्यूटेंट से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तभी लिफ्ट ऊपर से नीचे गिरती है और वहां एक बड़ा धमाका होता है। काफी म्यूटेंट्स इसमें मर जाते हैं। टीम फिर से लड़ने तैयार होती है, लेकिन तभी किमवू के हाथ से एक ग्रेनेड छूटता है और वहां एक और धमाका होता है जिससे बचे हुए सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं। किमवू को श्रद्धांजलि देकर टीम आगे बढ़ने लगती है। सैमुअल फिर से क्रॉनिकल्स चेक करता है तो मिच फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, ऐसा भी क्या स्पेशल है इस बुक में? तो सैमुअल उसे भरोसा रखने कहता है और फिर जमीन पर थोड़ा पानी डालता है जो दो छोटे होल में गिरता है, जिससे उन्हें टनल का एंट्रेंस मिल जाता है। उससे होते हुए वो एक और रूम में पहुंचते हैं। वो लोग एक दीवार के किनारे से होते हुए चलते रहते हैं। तभी उन्हें नीचे म्यूटेंट्स दिखते हैं जो घायल इंसानों को घसीटते हुए मशीन की तरफ लेकर जाते रहते हैं। तभी मिच वहां नेथन को देखकर शॉक हो जाता है। स्टाइनर समझ जाता है मिच उसे बचाने जाएगा, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मिच उसकी बात नहीं सुनता और नीचे चला जाता है। बाकी टीम आगे बढ़ती है। मिच एक म्यूटेंट को शूट कर मार देता है जो नेथन को लेकर जा रहा था। मिच नेथन को अपने कंधों पर उठाकर एक सेफ जगह ले जाता है। नेथन उससे अपने फैमिली के बारे में पूछता है तो मिच उसे बताता है कि वो लोग मार्स में है, क्योंकि नेथन जान चुका है कि उसकी फैमिली अब सेफ है, इसलिए वो मिच को उसे मारकर आगे जाने कहता है अपना मिशन पूरा करने।
मिच पहले नहीं मानता, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि नेथन काफी दर्द में है और वो बच नहीं सकता, इसीलिए वो उसे शूट कर दर्द से आजाद कर देता है। इधर टीम एक पतले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर तभी स्टाइनर स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, जहां म्यूटेंट्स उसे अटैक करते हैं। स्टाइनर उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करता है। ऊपर सैमुअल सोचता है कि उन्हें उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बाकी के टीम मेंबर्स उसकी बात नहीं मानते और नीचे कूद जाते हैं स्टाइनर की हेल्प करने। एक बार फिर म्यूटेंट्स और टीम के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन म्यूटेंट्स काफी ज्यादा थे और सबको मारना इम्पॉसिबल था। इस लड़ाई में सैमुअल की मौत हो जाती है और टीम के सभी मेंबर्स बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। म्यूटेंट्स सभी को मशीन की ओर घसीटते हुए ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिच भी वहां पहुंच जाता है और वहां का हाल देख हैरान रह जाता है। वो सभी के डॉग टैग्स जमा करता है। तभी वहां सिवीरियन आती है। उसने अपने आप को कैसे भी करके बचा लिया था। सिवीरियन उसे बताती है कि वहां क्या हुआ था, जिसके बाद मिच बुक के पीसेस को उठाता है और सिवीरियन को उसे पढ़ने बोलता है, ताकि उन्हें पता चले कि आगे उन्हें कहां जाना है। लेकिन सिवीरियन वो लैंग्वेज नहीं पढ़ सकती थी। इससे मिच फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचता है कि अब उसे मशीन के सेंटर में जाकर ही कुछ करना पड़ेगा। दोनों फिर आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुंचते हैं, जहां म्यूटेंट्स इंसानों को एक होल के अंदर डाल रहे हैं। वहां उन्हें उनके दो साथी भी दिखते हैं। मिच और सिवीरियन एंट्रेंस में बॉम्ब ब्लास्ट कर उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिससे म्यूटेंट्स अंदर नहीं आ पाते, और बचे हुए म्यूटेंट्स को मारकर वो वैलरी और स्टाइनर को बचा लेते हैं। फिर मिच होल के अंदर देखता है, जहां उसे अजीब मैकेनिज्म दिखते हैं, जिसमें इंसानों को अटैच किया गया है। उसमें एक कंप्लीट रोटेशन के बाद इंसान म्यूटेंट्स में बदल जाते हैं। सिवीरियन और वैलरी खुद को एक रस्सी से बांधकर नीचे उतरने लगते हैं। वही मिच और स्टाइनर उनकी रस्सी को पकड़कर रखते हैं, लेकिन तभी म्यूटेंट्स पत्थरों को हटाकर उनकी ओर आने लगते हैं, तो स्टाइनर रस्सी को छोड़कर उन्हें रोकने जाता है। वो एक ग्रेनेड एक्टिवेट करके खुद के साथ सभी म्यूटेंट्स को भी मार देता है। रस्सी का वजन काफी ज्यादा होता है, जिसे मिच हैंडल नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है। सिवीरियन और वैलरी भी गिरते हैं, लेकिन वो सेफली लैंड हो जाते हैं। हालांकि मिच मैकेनिज्म के ऊपर गिर गया था, जो एक्टिवेट होता है और उसे लॉक कर देता है। मिच पर रेडिएशन गिरता है और एक रोबोट उसके बॉडी में चिप्स डालता है। आखिरी चिप उसके सिर में जाने वाला था, लेकिन मिच उसे बार बार डॉज करता है। मशीन बार बार हिट करता है और गलती से उसके हाथ के लॉक को तोड़ देता है। मिच फ्री हो जाता है और गन से रोबोट को शूट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर मिच सिवीरियन और वैलरी के पास जाता है। वो चाकू से अपने बॉडी से चिप्स निकालता है। उसकी आधी शक्ल म्यूटेंट जैसा बन गया था, लेकिन वो अभी तक पूरा म्यूटेंट नहीं बना था। तीनों फाइनली मशीन के सेंटर में पहुंच चुके थे। मिच उस स्पेशल डिवाइस को मशीन में प्लांट करने लगता है। वही सिवीरियन और वैलरी उसे प्रोटेक्ट करते हैं और दोनों साइड से आ रहे म्यूटेंट्स को रोकते हैं। मिच उस डिवाइस को तो प्लांट कर देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता उसे एक्टिवेट कैसे करना है। फिर वो बुक्स के कुछ पेजेस को कलेक्ट करके इसे फिगर आउट करने की कोशिश करता है। तभी सिवीरियन के सामने सैमुअल आ जाता है, जो कि म्यूटेंट बन गया था। उसे देखकर सिवीरियन फ्रीज हो जाती है। वही इधर वैलरी म्यूटेंट से लड़ते लड़ते नीचे गिरकर मर जाती है, तो मिच म्यूटेंट से लड़ने लगता है। मिच सिवीरियन को सैमुअल को मारने कहता है, लेकिन सिवीरियन ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि सैमुअल उसका मेंटर था, लेकिन सैमुअल उसे मारकर नीचे फेंक देता है। फिर सैमुअल और मिच के बीच लड़ाई शुरू होती है। मिच सैमुअल पर भारी पड़ता हुआ दिखता है और उसे अपनी टीम मेंबर्स के डॉग टैग से पंच करता रहता है। सैमुअल उसे धकेल देता है और मिच एक तलवार और बुक के पेज के बाजू में गिरता है। दोनों को साथ में देखकर मिच समझ जाता है कि ये प्राचीन तलवार ही उस डिवाइस को एक्टिवेट करने का स्पेशल की है, तो वो तुरंत उसे उठाकर सैमुअल में घोप देता है और साथ ही मशीन में भी डाल देता है, जिसके बाद ऊपर सीलिंग का हैच ओपन होता है और पूरा स्ट्रक्चर हिलने लगता है। फिर हम देखते हैं सैमुअल धीरे धीरे इंसान में बदलता है। वो मिच को कहता है, मुझ पर भरोसा करो और नीचे कूद जाओ। मिच फिर नीचे कूद जाता है और सीधे पानी में गिरता है। पानी से बाहर आने के बाद वो मशीन को टेक ऑफ होते हुए देखता है, जो धरती को छोड़कर स्पेस की तरफ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएगा, और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।